गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आप समझ तो गए होंगे कि मैं आज ये मंत्र क्यों पढ़ रहा हूँ। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि है और ये गुरुओं का दिन, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाते हैं। वैसे तो हर दिन गुरु का होना चाहिए, क्योंकि माता पिता के बाद एक गुरु ही है जो हमें सही और गलत के बीच का अंतर बताता है। इसलिए कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद जी बताए। संत कबीरदास का ये दोहा हमें बताता है कि गुरु और गोविंद यानी भगवान अगर एक साथ खड़े हैं तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को या फिर गोविंद को। ऐसी स्थिति में हमें गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि वो गुरु ही है जिनकी वजह से हमें गोविंद पे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त। तो आइए अब आपको बताते हैं गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, क्या है इसका इतिहास। दरअसल गुरु पूर्णिमा की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दोनों ही जड़ें हैं। माना जाता है कि इसकी शुरुआत प्राचीन काल की वैदिक परंपराओं से हुई। इसे महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। वेदव्यास जी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण गुरुओं में से एक, और वो महाभारत और पुराणों के लेखक थे, लेकिन आज भी ये प्रासंगिक है। बच्चों को गुरुओं का सम्मान आदर और प्रशंसा करने का महत्व सिखाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो गुरुओं के रूप में उनके जीवन को बेहतर और सार्थक बनाते हैं। संत कबीरदास के एक और दोहे से मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। नमस्कार।